In 1997, an Indian-American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. 1997 में एक भारतीय अमेरिकी नाम कल्पना चावला एक अंतर्राष्ट्रीय दल का हिस्सा थी जो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस शटल कोलंबिया में गई थी। वह पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष यानी स्पेस में गई थी। दुखद बात है कि कोलंबिया स्पेस शटल का दूसरा मिशन त्रासदी या कहें दुखद घटना का शिकार हो गया। हम आपको बता दें कि कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ था, पर बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ स्पेस शटल। अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेसक्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल, अनलाइक अ रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन। एक स्पेस शटल एक अंतरिक्ष यान को कहा जाता है जिसे अंतरिक्ष में बार बार मिशंस के लिए भेजा जाता है। यह रॉकेट की तरह नहीं होता। रॉकेट का यूज़ तो बस एक ही बार हो सकता है, उसके बाद वह बेकार हो जाता है, पर स्पेस शटल बेकार नहीं होता। यह रॉकेट के साथ अंतरिक्ष की ओर जाता है और मिशन पूरा होने पर सुरक्षित वापस भी आ जाता है। वैसे तो आज ऐसे रॉकेट भी बन गए हैं जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। एक स्पेस शटल धरती से अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक यात्रा करता है। स्पेस शटल का वीडियो देखकर हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अमेरिका का स्पेस शटल एटलांटिस है। आप देख पा रहे हैं कि यह रॉकेट्स के साथ अपनी यात्रा पर जा रहा है। इन रॉकेट्स में एरोप्लेन की तरह दिखाई देने वाले भाग को ही स्पेस शटल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में एक स्पेस शटल ठीक इस तरह धरती पर वापस आता है और इन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। A news report. Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour. When ground control lost contact with the shuttle, Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be a good for 100 flights. Kalpana Chawla said that she never dreamed, as a child in Karnal, that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला कहती थी कि जब वह छोटी थी और करनाल में रहती थी, तब उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह अंतरिक्ष में जा पाएंगी। उनका कहना था कि उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि उनके अभिभावकों यानी माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने की अनुमति दी। अपने स्कूल की पढ़ाई टैगोर स्कूल से ख़त्म करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था और इसके लिए उनके माता पिता ने उन्हें अनुमति दी थी, क्योंकि आप, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को पढ़ने के लिए कितने कम अवसर मिल पाते हैं। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in Aerospace Engineering. Kalpana Chawla was the first Indian-American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. Bachelor of Science की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग्स में कल्पना ने पूरी की, जबकि उनके माता पिता इसके विरोध में थे। उसके बाद भी अपनी मास्टर्स डिग्री करने वे यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी। बाद में वहीं उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री को भी प्राप्त किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री थी जो कैप कैनावरल फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में एक सफल अंतरिक्ष अभियान के लिए गई थी। कल्पना चावला के परिवार और कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ को बहुत खुशी हुई थी जब कल्पना और उनके दल ने कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका में है। कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल, Haryana, but she was a naturalized US citizen, married to a flight instructor, Jean Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, पर वह अमेरिका की नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गई थी। मतलब पहले तो कल्पना भारतीय नागरिक थी, पर बाद में उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली थी क्योंकि वे वहां पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। उन्होंने अपने आगे की सारी पढ़ाई यूएस से पूरी की थी। जो जन्म से यूएस का सिटीजन नहीं होता और बाद में यूएस की सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है, उन्हें नेचुरलाइज सिटीजन कहा जाता है। कल्पना ने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पियर हैरिसन से शादी कर ली थी। कल्पना एक एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री तो थी ही, उनके पास सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स यानी समुद्र पर उड़ने वाले जहाज और ग्लाइडर्स उड़ाने का लाइसेंस भी था। वे एक सर्टिफाइड यानी सर्टिफिकेट प्राप्त फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। पायलट बन जाने के बाद उन्होंने एक और चुनौती अपने लिए स्वीकार कर ली कि उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। स्पेस शटल आपको पता ही है क्या होता है, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। कल्पना को रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा में रख लिया गया। 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री की प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, "I really never ever thought, while pursuing my studies or doing anything else, that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me, fortunately, always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on." जब उनसे पूछा गया कि वह महिला हैं और अपनी फील्ड यानी एस्ट्रोनॉट वाली फील्ड में हैं और उन्हें कैसा लगता है, तब कल्पना ने कहा, अपनी पढ़ाई करते हुए या अपने भविष्य को लेकर कुछ भी करते हुए मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ और मैं किसी छोटे शहर से हूँ या किसी दूसरे देश से हूँ। मेरे सपने बिल्कुल दूसरों के सपनों की तरह ही थे और मैंने उन्हें फॉलो किया, पूरा किया, और जो भी लोग मेरे आसपास थे सौभाग्य से हमेशा मुझे साहस देते थे, प्रोत्साहित करते थे कि जो भी तुम करना चाहती हो वह कर लो, और मैंने वही किया। कल्पनाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. कल्पना का अंतरिक्ष में पहला मिशन कोलंबिया 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। अपने इस मिशन के दौरान कल्पना ने 252 यानी कि 252 टाइम्स धरती की परिक्रमा की, मतलब धरती के चारों ओर चक्कर लगाया। इस दौरान उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवलिंग की या दूरी तय की। कल्पना जिस अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ गई थी उनमें एक जापानी और एक यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री भी थे। इस अंतरिक्ष यात्री दल ने वहां अंतरिक्ष में प्रयोग किए कि क्या पौधों को अंतरिक्ष में उगाया जा सकता है, भोजन को उगाया जा सकता है, अनेक धातुओं को या मेटल्स को कैसे और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उनकी मजबूती की जांच भी की गई और फास्टर कंप्यूटर चिप्स का भी परीक्षण हुआ। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स पर लगभग $56 मिलियन का खर्च आया, $56 मिलियन। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued at their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote. वह शनिवार की रात थी जब कोलंबिया शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई और सभी हैरान हो गए, किसी को भी विश्वास नहीं होता था। प्यारे बच्चों, अब हम कोलंबिया स्पेस शटल की असली रॉ फुटेज देखने जा रहे हैं। यह वही स्पेस शटल कोलंबिया है जिसमें कल्पना चावला अपने सहकर्मी दल के साथ धरती की ओर वापस आ रही थी। यह असली वीडियो है। उस शनिवार की रात पूरे करनाल शहर में लोगों ने बिना सोए ही रात को गुजारा। हज़ारों लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट से चिपके रहे थे, मतलब लगातार टीवी देख रहे थे कि कल्पना और उनका दल किसी तरह इस दुर्घटना से बच निकले। एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन द एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन You must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievements is awe-inspiring. She, यानी कल्पना, एक हीरोइन थी। एक अंतरिक्ष यात्री बनने में बहुत ज़्यादा क्षमता लगती है। आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, हर विषय की बिल्कुल सटीक जानकारी। बायोलॉजी से एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। आज का जो समय चल रहा है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको एक इंसाइक्लोपीडिया के ज्ञान की आवश्यकता होती है एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। प्यारे बच्चों, इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक को कहते हैं जिसमें हर विषय की जानकारी होती है, मतलब आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। कल्पना के अचीवमेंट सभी को प्रोत्साहित करने वाले थे। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." Adapted from Span, January-February 1998. लाखों लोगों के लिए जो युवा भारतीय हैं, कल्पना की कहानी एक लड़की जो छोटे से शहर से थी और जिसने आकाश को छुआ, सच में बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली है। कोलंबिया स्पेस शटल से कल्पना ने एक मैसेज भी दिया था जो उन्होंने अपने कॉलेज चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए दिया था। कल्पना ने कहा था, सपनों को सच कर दिखाने का रास्ता सच में है, आपके पास बस उसको पाने की दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उसे हासिल करने की। मैं आपको सफलता की राह पर चलने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। यह कल्पना का मैसेज था जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने दिया था। प्यारे बच्चों, यह वही कॉलेज था जहाँ से कल्पना ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कल्पना की दिखाई हुई राह पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए चलेंगे। लेसन कंप्लीट होने के साथ साथ हम भी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि कल्पना के दिखाए हुए रास्ते पर हम भी आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? आंसर, Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana. She got married to an American citizen and thus became a naturalized American. So she is called an Indian American. Question number 2. When and why did she go to the US? Who did she marry? Answer. She went to the US for studies in aeronautical engineering. She married flight instructor Jean Pierre Harrison. Question number 3. How did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? Answer. She applied for NASA Space Shuttle program and got hired as a research scientist at NASA. She was then selected for training as an astronaut in 1994. Question number 4. What abilities must an astronaut have according to the journalist? Answer. According to the journalist, one needs to know a lot about everything: biology, astrophysics, astronautical engineering to be an astronaut. Question number 5. Describe Kalpana Chawla's first mission in space. Answer. Kalpana Chawla's first mission in space lasted 15 days, 16 hours and 34 minutes. She went around Earth for 252 times, traveling 10.45 million kilometers. A Ukrainian and a Japanese astronaut were also among the crew members. Question number 6. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? Answer. Kalpana Chawla says that the path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. Yes, we do agree with her that with the vision and courage, success is possible. For more videos of Class 6th, please follow our playlist. We'll meet in next video. Till then, keep watching. Have a nice day. Thank you.